Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज, वज़ीर-ए-आज़म का सख्त बयान सामने आ गया। फ्रीडम कॉन्वॉय एहतजाज ने कनाडा में हालात को बदल कर रख दिया। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि यह एहतजाज जमहूरियत और आम शहरियों के लिए मसाई खड़े कर रहा है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह के लिए दौड़ जारी। साबिक वजीर ने पियर पॉलिवर को सरबराह के लिए बेहतरीन करार दे दिया। साबिक वजीर का कहना है कि टोरीज को मुतहद करना अगले लीडर के लिए अहम होगा। कनाडा में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मुतासर अफराद की तादाद 31 लाख से तजावज़ कर गई। हलाकतें 34,847 हो गईं। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से फैलाव का सिलसिला जारी। दुनिया भर में केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 57,85,074 से तजावुज कर गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा के दारुल हुकूमत में लाजमी वैक्सीनेशन की हिदायत के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जोर पकड़ गया है, जिसमें वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इसे फौरी बंद करने को कहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में गुज़िश्ता 10 दिन से जारी ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज से निमटने के लिए एमरजेंसी की मजीद पाबंदियां नाफिज कर दी गईं। कनाडा के दारुल हुकूमत में लाजमी वैक्सीनेशन की हिदायत के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जोर पकड़ गया है, जिस पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इसे फौरी बंद करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑटावा में जारी वैक्सीनेशन मुखालिफ एहतजाज पर हाउस ऑफ कॉमन्स में एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज मुल्क की मईशत जमहूरियत और आम शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है, इसे फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। आदाद व शुमार के मुताबिक ओटावा में जारी एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए तैनात पुलिस पर रोज का खर्चा $10,08,000 से लेकर $20,02,000 तक आ रहा है। वजीर बराए तहफ़ आमा मार्को मैंस्टो का कहना था कि मुजाहरे को काबू में रखने के लिए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने मजीद कमी की दरख्वास्त भी कर दी है। दूसरी जानब पीर को ओटावा की कौंसल ने अक्सरियती वोट से यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाए कि पुलिस अफसरान को मुजाहरे की निगरानी से छूट दी जाए, ताकि वो दीगर आम शहरियों के तहफ़ पर दोबारा तवज्जो दे सकें। हुकाम ने ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज को पस्पा करने के लिए ईंधन फराहमी भी रोक दी है। ताहम ओटावा समेत कनाडा के दीगर शहरों में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो गई है। इस वक्त ओटावा में कारोबारी जिंदगी मअतल है। मुकामी लोगों ने ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ 9.8 मिलियन हर्जाने का मुकदमा भी दायर कर दिया है। सरहद के आर पार जाने वाले ट्रकों के लिए लाजमी करार दिए गए मैंडेट के खिलाफ एहतजाज में ट्रक ड्राइवर शहर की सड़कों और गलियों में हॉर्न बजा रहे हैं, जिसकी वजह से रिहायशी मोहल्लों के लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। कनाडा की अपोजिशन जमात के सरबराह के तौर पर कंजर्वेटिव अरकान की जानिब से बड़े पैमाने पर पियर पॉलिवर की हिमायत की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट पियर पॉलिवर के पार्टी की क्यादत का इंतखाब लड़ने और कनाडा के अगले वजीर आजम बनने के ऐलान की पार्लियामेंट के साथ ही टोरी अरकान की तरफ से वसी पैमाने पर तायद की जा रही है। टोरीज के फाइनेंस नकाद पॉलिवर पहले उम्मीदवार हैं। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अरकान पार्लियामेंट की जानिब से एलन ओटूल को इस ओहदे से बाहर करने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के आला मुकाम के लिए अपनी बोली का आगाज किया था। ओटावा के इलाके के रुकने पार्लियामेंट की हिमायत का वादा करने वालों में वफाकी कंजर्वेटिव काबीना के साबिक वजीर जॉन बैरेट भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू में बैरेट ने कहा कि पॉलिवर में बहुत मजबूत रहनुमा बनने की खसूसियात हैं, लेकिन टूटी फूटी कंजर्वेटिव पार्टी को मुत्तहिद करना एक चैलेंज होगा। हफ्ते की शाम सोशल मीडिया पर जारी होने वाली 3 मिनट की वीडियो में पॉलिवर ने कंजर्वेटिव पार्टी का नाम या क्यादत के मुकाबले का जिक्र नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि वो वजीर आजम की हैसियत से ये काम चाहते हैं। बुध के रोज एक वोट में कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट की जानिब से माजूल किए गए ओटोल की जगह लेने की दौड़ जारी है, जिसकी वजह से
हजारों नई रुकनियत के फॉर्म फरोख्त हो चुके हैं। ओटूल की क्यादत के खिलाफ गुस्सा कई महीनों से भड़क रहा था, जो सितंबर के मायूसकुन इंतखाबी नतीजे से मजीद भड़क उठा था। कंजर्वेटिव्स ने 2019 के इंतखाबात में शिकस्त के मुकाबले में मुल्क के अहम इलाकों में कई सीटें खो दी। बैरिट ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को मजीद टूरिस को बेंच से दूर करने और खेल में वापस आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हमने 5.5 लाख वोट कमाए थे। उन्होंने मजीद कहा कि हम उन लोगों को वापस लाना चाहते हैं। कनाडा के ओंटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,56,149 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 31 करोड़ से तजावुज कर गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमुई तादाद 31,40,025 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 34,847 हो गई। मुल्क भर में 29,42,341 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कनाडा के ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,56,149 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 11,836 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 8,83,192 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,496 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मौलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,08,051 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 3,673 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,33,925 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,707 है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 7,85,56,193 हो गई है, जबकि 9,32,443 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से फैलाव का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 57,85,076 से तजावुज कर गई है। 40,18,48,214 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 32,15,84,365 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 7,85,56,193 हो गई है, जबकि 9,32,443 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना केसेस की मजमुई तादाद 4,24,10,976 से जायद हो गई, जबकि 5,05,308 हलाकतें हो चुकी हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 89,211 तक जा पहुंची, जबकि केसेस 1,24,46,111 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 69वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,959 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,15,974 तक जा पहुँची है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।